ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। बाराबंकी थाना हैदरगढ़ पुलिस द्वारा पूरन हत्याकांड का पर्दाफाश कर 5 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। थाना हैदरगढ़ पर 12 जुलाई को राम अवतार पुत्र अर्जुन लाल निवासी जीठू मऊ द्वारा लिखित सूचना दी गई कि महादेवन घाट नगर में एक अज्ञात पुरुष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर हैदरगढ़ पुलिस टीम द्वारा जीठू मऊ नाले के पास से एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा हुआ शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय बाराबंकी भेज दिया गया था। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी द्वारा उक्त शव एवं उसके कपड़े की फोटो से शिनाख्त घटना का सफल अनावरण एवं हत्या अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक हैदरगढ़ श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। प्रभारी निरीक्षक हैदरगढ़ श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह रघुवंशी के नेतृत्व थाना हैदरगढ़ पुलिस टीम द्वारा शव का फोटो व कपड़ों की फोटो खींचकर उसके पहचान है तो सोशल मीडिया एवं आसपास के जनपदों सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा रही थी। इसी क्रम में जनपद लखनऊ के थाना गोसाईगंज में 13 जुलाई को पंजीकृत गुमशुदी पूरन पुत्र समवारी निवासी रसूलपुर टिकानिया मऊ थाना गोसाईगंज को लखनऊ की मिली, जिस पर संदेह हुआ। परिजनों ने संपर्क कर शिनाख्त हेतु 20 जुलाई को हैदरगढ़ बुलाया गया एवं मृतक के जूता, बेल्ट व कपड़े की शिनाख्त कराई गई तो परिजनों द्वारा शिनाख्त करते हुए लिखित तहरीर मृतक के पिता समवारी ने थाना हैदरगढ़ पर दिया गया, जो संदेह के आधार पर अभियुक्ता शबनम व जुबेर निवासी गढ़ बनकोटा थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में थाना हैदरगढ़ पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए समावत पुत्र रहमत अली निवासी सीटू मऊ, धर्मराज केवट पुत्र परशुराम उर्फ जस्सू केवट निवासी लोनीगढ़ी, बलराम पुत्र सुरेश निवासी मोती सिंह को दतौली चौराहा बलराम की दुकान से व शबनम पुत्री जहीर निवासी बनकोट को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कब्जे से घटना में प्रयुक्त 5 मोबाइल फोन, सिम सहित मोटरसाइकिल के कल पुर्जे बरामद किया गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए रविंद्र कुमार मिश्र की रिपोर्ट। बीसी के अज्ञात शव नहर के पास पड़ा हुआ है, जहां पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा और उसने प्रारंभिक जानकारी की। शुरुआत में ऐसा प्रतीत हुआ कि नहर की धारा के साथ ये शव बह के आया है, लेकिन फोरेंसिक टीम द्वारा पाया गया कि पास में ही टूटा हुआ हेलमेट पड़ा हुआ था, जिसे स्पष्ट हो गया कि यही घटनास्थल और यही बॉडी का डिस्पोजल किया गया है। एसपी साउथ के नेतृत्व में जो टीम्स बनाई गई, उसमें सीओ हैदरगढ़, इंस्पेक्टर हैदरगढ़, एडिशनल इंस्पेक्टर हैदरगढ़ ने बड़े परिश्रम से काम किया। उन्होंने जनपद के आसपास के सभी थानों में गुमशुदगी तलाश की, अंततः गोसाईगंज में गुमशुदगी मिल गई और उसके आधार पर इस मृतक की पहचान हुई। उसके घर से प्राप्त सूचना, उसके मोबाइल की CDR और अन्य अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि जनपद बाराबंकी में रहने वाली एक युवती के साथ उसका प्रेम संबंध था और इस प्रेम त्रिकोणीय संबंध के कारण उसे यहाँ बुलाकर उसके अन्य साथियों ने, जो प्रेमिका से पहले से संपर्क में थे, उसके रिश्तेदार भी थे, उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ इसकी हत्या कर दी शराब पिलाने के बाद। इसके अतिरिक्त एक पुलिस के लिए चुनौती ये भी थी कि ये लड़का मोटरसाइकिल से गया था, ऐसा मालूम पड़ा इसके घर से, और हेलमेट मिलने के कारण भी ये बात पुष्ट हुई। उस मोटरसाइकिल की तलाश में जब पूछताछ की गई तो स्थानीय एक कारोबारी ने इसके मोटरसाइकिल को डिसमेंटल कर दिया था, कुछ उपयोग के हिस्से खरीद लिए थे और बाकी हिस्से गोमती नदी उस नाले में ही फेंक दिए थे, जिसको बरामद कर लिया गया है। उस पर तमाम कीचड़ लगा हुआ है, जो इस पूरी बात की पुष्टि करता है। सभी अभियुक्त पकड़े गए हैं और बरामदगी भी पर्याप्त हो गई है और बहुत अच्छा केस वर्कआउट हुआ है। इस वर्कआउट करने वाली टीम को 10,000 रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा।